टू माई चैनल। सो यहाँ पे मैंने ये बहुत ही ज़्यादा कलरफुल आइज लुक क्रिएट किया है, आई होप आप लोग को पसंद आएगा। सो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है प्राइमर के लिए लैक्मे का एब्सोल्यूट ब्लर प्राइमर लिया हुआ है, और इसे मैं अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। बहुत ही अच्छा प्राइमर है, जितने भी आपकी फ्लॉज होते हैं उनको बहुत ही अच्छे से ब्लर कर देता है, प्लस आपके पोर्स को भी मिनिमाइज़ कर देता है, बहुत ही अच्छे से स्किन को हाइड्रेशन भी देता है। तो इसे मैंने फुल फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे ये फिटमी का फाउंडेशन ले रही हूँ, ये मेरी न्यू परचेज है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही पसंद आया मुझे, बहुत ही अच्छा इसने बेस सेट किया था। सो ये ऑयली स्किन के लिए भी बहुत ही बढ़िया है, और इसे मैंने फुल फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। तो इसे ब्रश से मैंने यहाँ पे ब्लेंड किया, आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी इसे ब्लेंड कर सकते हो। सो ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छी करो ताकि बिल्कुल भी पैचीनेस ना रहे। नेक्स्ट इसे सेट करने के लिए मैं यहाँ पे मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, अगेन बहुत ही अच्छा, और इसका कॉम्बिनेशन दोनों का बहुत ही बेस्ट रहा और बहुत ही अच्छे से इसने फेस को अच्छे से सेट कर दिया है। नेक्स्ट ब्राउज को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे ये ADS का ब्राउ किट लिया हुआ है, डुअल है, इसमें वन साइड में जो है आपको ब्राउ प्रोडक्ट मिलता है एंड अदर साइड में आपको जो है जेल लाइनर मिलता है। सो उसकी हेल्प से मैं सबसे पहले अपने ब्राउज को फिल कर लूँगी, और मैं सबसे पहले आउटर पार्ट को फिल कर रही हूँ, देन मैं इनर पार्ट को फिल करूँगी ताकि जो है मेरी ब्राउज बहुत ही नीट एंड क्लीन लगें। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कंसीलर के लिए मिस क्लियर का कंसीलर ले रही हूँ, ये फुल कवरेज कंसीलर है, और सबसे पहले मैं अपनी आईलिड को अच्छे से कंसील कर लूँगी और मैं ब्राउज को भी क्लीन कर लूँगी। एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लें। नेक्स्ट मैंने इसे लूज पाउडर से सेट भी कर लिया है ताकि हमारा कंसीलर जो है वो क्रीज ना करे और अच्छे से बेस हमारा रेडी हो जाए आई शेडो के लिए। सो आई शेडो पैलेट के लिए मैं यहाँ पे हिलारी प्रोडक्ट का पैलेट ले रही हूँ, बहुत ही अफोर्डेबल है, ये मैंने अमेजोन से परचेज किया था 199 रुपीज में, और इसका ये लेवेंडर शेड लेके सबसे पहले मैं अपनी क्रीज लाइन पे बिल्ड करूँगी, और ये हमारा ट्रांजिशन शेड भी रहेगा। नेक्स्ट मैं इसमें से ये डार्क पर्पल शेड लेके अपने आउटर पार्ट पे अप्लाई करूँगी, और मैं अपने क्रीज लाइन को थोड़ा सा डेप्थ भी दूँगी। नेक्स्ट में मैंने यहाँ पे फिर से अगेन कंसीलर लिया हुआ है, और मैं यहाँ पे सबसे पहले कट क्रीज ड्रॉ करूँगी। सो कट क्रीज ड्रॉ करते हुए हाथ को बहुत ही ज़्यादा सेट रखें और बहुत ही पोलाइटली आप अपनी कट क्रीज ड्रॉ करें। नेक्स्ट मैं ये ग्रीन शेड लेके अपने सेंटर पार्ट पे से अप्लाई करूँगी। मैंने यहाँ पे ये फ्लैट शेडर ब्रश लिया हुआ है, उसकी हेल्प से अच्छे से पैट कर रही हूँ अपने प्रोडक्ट को। नेक्स्ट मैं ये येलो शेड ले रही हूँ, और इसे मैं इनर पार्ट में अप्लाई करूंगी, और आप तब तक अप्लाई करो जब तक आपको अपना डिजायर कलर ना मिल जाए, और इसे अच्छे से ब्लेंड भी कर दे ताकि दोनों शेड आपस में मर्ज लगे। नेक्स्ट अगेन मैंने फिर से वो पर्पल शेड लिया हुआ, और उसे मैं स्मोक आउट करूँगी अपने आउटर पार्ट को ताकि थोड़ा सा डेप्थ भी मिले और स्मोकी सा इफेक्ट लगे। नेक्स्ट मैं लोअर पार्ट के लिए भी मैं इसी पर्पल शेड को ही ले रही हूँ, अपने लोअर लैश लाइन पे भी अच्छे से इसे अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ग्लिटर के लिए ये SFR का ग्लिटर पैलेट लिया हुआ है, बट बहुत ही बेकार है, बहुत ही
मतलब इसने मेरी आईज़ को बहुत ही ग्रीस कर दिया था कुछ ही देर बाद। सो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी, आप इसे मत परचेज करो। इससे ज़्यादा आप लूज़ पाउडर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट लाइनर के लिए मैं यहाँ पे स्टेक और की का लाइनर ले रही हूँ, और यहाँ पे मैंने अपने आईज़ पे एक विंग ड्रॉ किया हुआ है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे अपनी आईलैश को कर्ल कर रहे हैं। और मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पे ये स्विस ब्यूटी का मस्कारा लिया है, बहुत ही अच्छा मस्कारा है, मुझे बहुत ही पसंद है और बहुत ही अच्छे से आपके जो लैशेस को वो बहुत ही अच्छे से इन्हांस कर देता है। जैसे लोअर एंड अपर दोनों पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया हुआ है। नेक्स्ट कंटोरिंग के लिए मैंने यहाँ पे ये वेट एंड वाइल्ड का कंटोर किट लिया हुआ है, और इससे अच्छे से मैं अपने चीक्स को और जॉ लाइन को अच्छे से कंट्रोल कर लूँगी ताकि हमारे फेस को एक डायमेंशन मिले और कोई फेस बहुत ही अच्छा दिखाई दे। सो ब्लेंडिंग अच्छी करें ताकि जो है आपको कहीं भी पैचीनेस ना रहे, एंड नोज को भी मैं इसी से ही कंट्रोल कर लूँगी। नेक्स्ट मैं इसमें से ये बनाना शेड लेके अपने हाई पॉइंट्स को अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी, तो कि ताकि जो भी मैंने कंटूरिंग करी है वो अच्छे से इन्हांस हो और विजिबल लगे और नीट एंड क्लीन भी लगे। नेक्स्ट ब्लश के लिए मैंने यहाँ ये शुगर का ब्लश लिया हुआ है, बहुत ही अच्छा ब्लश है, तो इसे मैं अप्लाई कर लूँगी अपने चीक्स पे एंड अच्छे से ब्लेंड भी कर लूँगी। नेक्स्ट हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे ये मास्टर क्रोम हाइलाइटर लिया हुआ है, ये भी मेरा न्यू परचेज है, बहुत ही अच्छा गाइस है, बहुत आप देखिएगा कितना अच्छा लुक देता है, बिल्कुल चंकी नहीं है और इंडियन स्किन पे तो बहुत ही बढ़िया जाता है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा इफेक्ट आया है, बहुत ही बेस्ट लग रहा था, बिल्कुल नेचुरल लुकिंग लग रहा था, बिल्कुल भी चंकी नहीं। सो इसे मैं अपने हाई पॉइंट्स पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले मैं सबसे पहले लिप लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। एंड लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे ये फैशन कलर की लिपस्टिक ली है, बहुत ही अच्छी है, अफोर्डेबल भी है और शेड नंबर है 11 और बहुत ही अच्छी मैटिफाइंग लिपस्टिक है। तो अपने मेकअप को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये स्विस ब्यूटी का फिक्सिंग लिया हुआ है, और इससे अपने फेस को अच्छे से सेट करूँगी। एंड फाइनल टच यहाँ पे मैंने बिंदी अप्लाई करी हुई है। एंड ज्वेलरी के लिए मैंने ये झुमके लिए हुए हैं, तो इसे मैं वेयर कर लूँगी। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो करें। थैंक यू।